Good morning all of you. Today is our lecture number 1 of vector algebra. Chapter name is vector algebra. Before starting this chapter, introducing this chapter, I will introduce something new. New means मैं कुछ concept लूंगा या कुछ questions लूंगा जिससे मैं आपको vector algebra को introduce करूंगा. ठीक है, first question मैं put करता हूँ अगर आपसे कि what is your height? तो आपका answer क्या होगा? 5 feet 6 inch या फिर 171 centimeter या 150 centimeter. मीन्स आप एक मुझे जो आंसर देंगे एक एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में दे रहे हैं. इसी तरह जब मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, या आज का क्या तापमान है या टेम्परेचर क्या है आज का, तो आप उसको क्या कहोगे? आंसर क्या आएगा आपका? 18 degree Celsius या फिर 32 degree Celsius. मीन्स जो आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया वो मुझे एक एग्जैक्ट नंबर में दिया. ठीक है, उसमें आपको डायरेक्शन की कोई नीड नहीं पड़ी. ठीक है, बट अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ कैन आई पास अ बॉल टू द अदर पर्सन. अगर मुझे बॉल पास करनी है टू द अनदर पर्सन को तो मैं कैसे करूँ? व्हेन वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल, जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए, मैं जब बॉल को अगर मुझे पास करना है तो मुझे उसको हिट करना पड़ेगा. फॉर हिटिंग मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और फोर्स अप्लाई किस डायरेक्शन में करनी है ये भी मुझे याद रखना है. जिस पर्सन को बॉल पास करनी है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे. मीन्स यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में किसका क्वांटिटी, तो देखो फोर्स कितनी यूज होगी वो तो नंबर लगेगा, प्लस डायरेक्शन का भी यूज होगा. ठीक है, तभी वहाँ बॉल उसके पास अनदर पर्सन के पास पहुंचेगी. तो पहले दो क्वेश्चन और जो लास्ट का क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या फर्क है कि पहले दो सिंगल रियल नंबर में, मीन्स जो मैग्नीट्यूड बोलते हैं जिसको, हम उसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था उसमें मैग्नीट्यूड तो मुझे चाहिए, मतलब एक नंबर तो आपको क्वांटिटी कितनी फोर्स लगी वो तो बताना ही है, प्लस डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन का भी यूज हुआ. तो ऐसी क्वांटिटीज जो थर्ड क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा. ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड, और साथ में उसके साथ क्या होगा, उसकी एक डायरेक्शन भी होगी. बट जो मेरे पहले दो क्वेश्चन थे उसमें मैंने आपको बताया उसको क्या बोलेंगे, जो क्वांटिटी का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. चलिए इसको डिफाइन करते हैं. फर्स्टली आपके पास स्केलर एंड सेकेंड क्या है आपके पास, वैक्टर क्वांटिटी. ठीक है, दोनों को इकट्ठे डिफाइन करूंगा. तो स्केलर क्वांटिटी आपकी क्या बनेगी, मैंने क्या बताया आपको, इट इज दैट क्वांटिटी, इट इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. मैग्नीट्यूड मीन्स जिसकी सिर्फ एक वैल्यू, नंबर, या फिर हम इसको कह सकते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस इन अ सिंगल रियल नंबर. ठीक है, एक रियल नंबर में हम उसको एक्सप्रेस कर सके. मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का कोई यूज ही ना हो, क्लियर, दैट आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज. एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर कह लीजिए, लेंथ, डेंसिटी, ठीक है, मास एक्स्ट्रा एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. क्लियर, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो डायरेक्शन. ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या बताया मैंने आपको, इट इज दैट क्वांटिटी, इट इज दैट क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. ठीक है, दैट आर द कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर, ये चैप्टर का नाम आपका वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, अलजेब्रा देखिए क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड. ठीक है, वेक्टर मैंने आपको बता दिया कि वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा बट क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपके पास, वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. क्लियर, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स. क्लियर, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ किसकी, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल होंगे. क्लियर, अब इसकी डिनोशन कैसे करते हैं, देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होगी जो हम एक नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी
ए सी अल्फा बीटा गामा, जिससे आप चाहें एनी वेरिएबल, ठीक है, किसी भी वेरिएबल से आप इसको डिनोट कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, आप वेरिएबल तो लेंगे लेंगे, ठीक है, बट उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एरो, ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मींस ए के ऊपर एरो मींस ए वेक्टर, बी के ऊपर एरो मींस बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो याद रखिए, डिनोशन हमेशा याद रखिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, सिंगल वेरिएबल आपको दे रखा होगा, बट वेक्टर क्वांटिटी में कैसे डिनोट होगी, वेरिएबल तो होगा ही होगा, बट उसके ऊपर क्या साइन होगा, एक एरो का साइन होगा, ठीक है। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, क्लियर। तो ये है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में करेंगे क्या क्या, इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो करेंगे, एक तो वैक्टर्स की डेफिनेशन, वैक्टर या स्केलर और स्केलर की डेफिनेशन, प्लस इनके टाइप्स, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन और वेक्टर्स, ठीक है। ऑपरेशंस मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होगा, ठीक है, वो ऑपरेशन इसमें कवर करेंगे। प्लस इसमें हम ज्योमेट्रिकल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्लस अलजेब्रिक, अलजेब्रिक और इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज इसमें कवर करेंगे। थर्ड हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मीन्स दो वेक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट करना है बाय यूजिंग स्केलर, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, एक होगा वेक्टर प्रोडक्ट, क्लियर। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा डेट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन पूरे पूरे चैप्टर में हम इन पांच टॉपिक्स जो मेन होंगे हमारे उनको हम कवर करेंगे, क्लियर। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर बताऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, ठीक है, वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन सबसे देखिए, पहले देखिए वेक्टर मैंने आपको क्या बताया, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको जो अभी बताने वाला हूँ, एक सिंपल लाइन का एग्जाम्पल बहुत है, इससे मैं आपको इजिली समझा दूंगा कि वैक्टर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, अ लाइन, ठीक है, लाइन है, नॉट अ रे, नॉट अ लाइन सेगमेंट, बट हम इसको अब लाइन सेगमेंट बनाएंगे कैसे, हम इसमें एक पी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट लेते हैं क्यू। अब पी पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल, बिकॉज इस लाइन की जो डायरेक्शन है ऐसे है, क्लियर। डायरेक्शन याद रखें, डायरेक्शन जब भी आपको एरो से ही पता लगेगा, कोई भी आपको डायग्राम या कोई भी लॉ समझाया जाए, ठीक है, उसमें जहां पे भी आप एरो का ध्यान रखिए तो उस डायरेक्शन में आपको पता लगेगा कि वो जो वेक्टर है उस एरो में, मतलब उस डायरेक्शन में चल रहा है। तो पी मैंने एक पॉइंट लिया, लेट पी बी एनी पॉइंट इन अ आर्बिट्री पॉइंट कह लीजिए इन अ स्पेस, और क्यू एक अदर पॉइंट ले लिया। अब फ्रॉम पी टू क्यू वी हैव अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, फ्रॉम पी टू क्यू वी हैव अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मीन्स एक डायरेक्शन में दी गई है वो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, विच हैज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, या टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट कह लीजिए। और डिनोशन में मैंने कहा है, आप देखिए मैं इसको कैसे डिनोट कर रहा हूं, पी से स्टार्ट हुई वो लाइन सेगमेंट कहां तक, क्यू तक, पी इज द इनिशियल पॉइंट, और क्यू क्या हो गया आपका एंड पॉइंट, पी से लाइन स्टार्ट हो रही है, क्यू पे एंड हो रही है, और डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है फ्रॉम पी टू क्यू, तो आप इसको डिनोट कैसे करेंगे, पी क्यू विद अ एरो, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास होती है, पी मैंने आपको बता दिया है इनिशियल पॉइंट है या ओरिजिन कह लीजिए, और क्यू आपका क्या है एंड पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट कह सकते हैं उसको। अब ये जो पी क्यू आपकी जो लाइन है, सॉरी वेक्टर है, मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, इसको मैं एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए ऐसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर, ठीक है। अब ये जो पी क्यू वेक्टर है ये मेरा तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, एल एस एस, एल मीन्स लेंथ, स्पोर्ट एंड सेंस, ठीक है जी। ये जो पी क्यू हमारा वेक्टर है, ये हमारा क्या है जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट लेंथ, सेकंड स्पोर्ट एंड थर्ड सेंस। लेंथ क्या होगी आपकी, लेंथ मीन्स
उस लाइन की लेंथ कितनी होगी, फ्रॉम पी टू क्यू क्या बताएगा वो, एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस बताएगा, एक नंबर बताएगा कि ये 3 सेंटीमीटर की है, फिर 5 सेंटीमीटर की है, तो ये आपका क्या बता देगा, एक मैग्नीट्यूड बता देगा। ठीक है, अब आता है स्पोर्ट की बात। स्पोर्ट मतलब किसी भी चीज को हम अगर स्पोर्ट करें, तो ये जो हमारा पी क्यू डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये एक्चुअली में क्या है, किसकी स्पोर्ट पे है, एक अनलिमिटेड लाइन की स्पोर्ट पे है। किस पे है, एक अनलिमिटेड लाइन की स्पोर्ट पे, उसी की डायरेक्शन में तो बनाई है ये हमने। ठीक है, और सेंस, सेंस क्या होगा कि कहां से कहां तक, मीन्स फ्रॉम पी टू क्यू, क्योंकि आपकी डायरेक्शन इधर है, फ्रॉम पी टू क्यू, तो वहीं से डिनोट किया मैंने पी क्यू डायरेक्शन, पी क्यू वैक्टर, सॉरी। क्लियर, तो तीन चीजों पे आपकी ये वैक्टर डिपेंड करेगा। ठीक है, पी क्यू डायरेक्ट, सॉरी, पी क्यू लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट किस पे, लेंथ, स्पोर्ट एंड सेंस। लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ मतलब डिस्टेंस, या कह लीजिए उसकी मेजरमेंट कितनी है फ्रॉम पी टू क्यू, मान लीजिए वो 3 सेंटीमीटर, तो वो क्या बता गया आपको, मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्लस स्पोर्ट, स्पोर्ट कहने का मतलब क्या होता है कि वो उसको जो हम वेक्टर ले रहे हैं उसको किसकी स्पोर्ट है। अब ये जो लाइन थी पी क्यू लाइन सेगमेंट थी, इसको किसकी स्पोर्ट थी, एक अनलिमिटेड लाइन पहले ही ड्रॉ थी, उस पे हमने पी क्यू लाइन सेगमेंट लिया, तो उसको स्पोर्ट किसकी हुई, इस अनलिमिटेड लाइन की। आफ्टर थर्ड, थर्ड क्या है हमारे पास, सेंस। सेंस मतलब एक तरह से डायरेक्शन रख लीजिए, ठीक है, कि वो किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम पी टू क्यू, फ्रॉम पी टू क्यू। अगर मैं इस एरो को ऐसे चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस एरो को ऐसे चेंज कर दूं, मतलब इस तरफ कर दूं, तो ये बन गया आपका क्यू पी वेक्टर, दोनों फर्क है ना। क्लियर, अब याद रख लीजिए आप इसको क्यू पी लिख, सॉरी, इसको पी क्यू लिख, अभी तो भाई क्यू पी लिखा है, क्यू पी लिखिए या ए वेक्टर लिखिए, दोनों एक तरफ बात सेम होती है। अब जो भी इसका डिस्टेंस होगा, जो भी हमारी इसकी लाइन आएगी, ठीक है, वो होगा एक नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, ठीक है, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक है, वो एक क्या बताएगा आपको, एक तो मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम और क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस या मॉड्यूल। ठीक है, द नॉन नेगेटिव नंबर विच रिप्रेजेंट दिस वेक्टर, मींस ए वेक्टर, इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड या फिर मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूल। इज दैट क्लियर? तो क्या क्या बताया मैंने आपको, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। आफ्टर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताई कि एक लाइन सेगमेंट, लाइन है आपके पास, उसके ऊपर मैंने क्या करी, एक लाइन सेगमेंट बनाई। लाइन सेगमेंट कैसे बनाई, एक पॉइंट लिया P, जिसको मैंने कहा इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन, ठीक है, और एक Q पॉइंट लिया, फ्रॉम P टू Q, ये तो मैंने आपको डिनोशन बताई, फ्रॉम P टू Q, ठीक है, वेक्टर A उसको बोल सकते हैं, या फिर पी क्यू वैक्टर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, पर याद रखिए वेक्टर मीन्स उसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है, कि वहां कहां से जा रहा है, पी से क्यू तक। अब इसके बाद डायरेक्शन भी इसमें डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पी क्यू वैक्टर है आपका, ये किस पे डिपेंड करेगा, तीन चीजों पर, लेंथ, स्पोर्ट और सेंस। किस पे, लेंथ, स्पोर्ट और सेंस पे। लेंथ मतलब उसकी मेजरमेंट कितनी है, वो जो मैग्नीट्यूड बताती है। स्पोर्ट एक्चुअली इसको स्पोर्ट किसकी है, स्पोर्ट कह लीजिए मतलब सहारा किसका है। ठीक है, सेंस मीन्स डायरेक्शन, कहां से कहां तक, मीन्स डायरेक्शन। सेंस मीन द सेंस ऑफ दिस पी क्यू वेक्टर इज फ्रॉम पी टू क्यू, कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, ठीक है, फ्रॉम पी टू क्यू, दैट इज कॉल्ड द लेंथ, स्पोर्ट एंड सेंस। अब उसके बाद बताया मैंने जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड याद रखिए हमेशा क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, जो क्या करेगा, क्यूबी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस और मॉड्यूल। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। टाइप्स में क्या होगा आपके पास, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहला वेक्टर आता है हमारे पास जीरो वेक्टर। अब देखिए जीरो, जीरो वेक्टर नाम है इसका, और जीरो मतलब इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, जीरो वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, ठीक है, हूज मैग्नीट्यूड इज जीरो,
हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। अगर मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता था पापा, वही लेंथ उसकी फ्रॉम पी टू क्यू पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं, ये पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट था, ये वेक्टर रख लीजिए, मतलब पी क्यू अगर हमारा जीरो वेक्टर है, ठीक है, तो पी पी से लेकर क्यू तक की लेंथ कितनी होगी आपकी, जीरो होगी। अगर पी से क्यू तक की लेंथ आपकी जीरो है, मतलब पी और क्यू पॉइंट एक ही पे डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है, मीन पी और क्यू पॉइंट क्या हो जाएंगे, विल कोइंसाइड, ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या होगा, इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हुज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी लिख दीजिए, देखिए अगर पॉइंट ही कोइंसाइड हो गए, अगर जीरो वेक्टर मींस उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड मींस उसकी लेंथ जीरो है, लेंथ जीरो है मींस दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, हुज डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड, ठीक है, whose direction is indeterminate. तो zero vector क्या हुआ हमारे पास, it is a vector whose magnitude is zero and whose direction is indeterminate, ठीक है। अब दोनों point coincide कर रहे हैं तो हम इसको pp dash भी लिख सकते हैं, ये vector कर सकते हैं, ठीक है, या pq, अगर zero है तो देख लीजिए, but याद रखिए दो point coincide कर रहे हैं, मतलब वो एक ही point बन गए, एक ही पॉइंट बन गए, मीन्स आप उसको पी क्यू पॉइंट को पी बोले या पी पॉइंट को क्यू बोले एक ही बात रहेगी, इफ दैट क्लियर प्लीज नोट डाउन। तो क्या था वहां पर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हुज डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब सेकेंड करते हैं, सेकेंड टाइप क्या हमने देखेंगे, जीरो वेक्टर हो गया, जीरो के बाद यूनिट वेक्टर, सेकंड यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर को याद रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन, हुज मैग्नीट्यूड इज वन, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर, इट इज डिफाइंड as the vector whose magnitude is 1, ठीक है, magnitude is 1, ठीक है, जिसका magnitude 1 आए उसे क्या कहेंगे हम, यूनिट वैक्टर, प्लस इट इज डिनोटेड बाय स्पेशल वैक्टर है बेटा, इट इज डिनोटेड बाय स्पेशल मीन्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे हमारे पास, इज इट, इट इज डिनोटेड बाय, मान लीजिए अगर a हमारा यूनिट वैक्टर है तो हम a को कैसे डिनोट करेंगे, a के ऊपर कैप, ठीक है, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर देन ए इज डिनोटेड बाय ए कैप, दिस इज कॉल्ड अ कैप, ओके। तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, जिसका, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, ए कैप से। चलिए थर्ड वेक्टर मीन्स थर्ड टाइप, थर्ड टाइप है हमारे पास लाइक वेक्टर्स। अब लाइक, आपने ये सुना होगा लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होती है, जो सेम होती थी, इसमें भी होगा, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर्स, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर्स विच हैज सेम डायरेक्शन, विच हैज सेम डायरेक्शन, वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, दैट आर कॉल्ड द लाइक वेक्टर्स। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इसका, अनलाइक वेक्टर्स। अब लाइक और अनलाइक में क्या होगा, देखिए लाइक में क्या था, सेम डायरेक्शन थी, तो अनलाइक में क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर्स विच हैज अपोजिट डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको इजली समझाऊंगा कि लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, या यूनिट वेक्टर का तो चलो अलग ही टॉपिक है,
लाइक और अनलाइक के लिए स्पेशल एक क्वेश्चन होगा आपके पास। तो ये है वहां पर लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वो जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, और अनलाइक कौन से होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। ओके, अब हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट या फिफ्थ टाइप। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर कह लीजिए या इसको पैरेलल कह लीजिए। ठीक है, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर, दैट इज द फिफ्थ टाइप। ये वो वेक्टर्स होते हैं, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर विच हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, या फिर जिनके लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड्स। क्लियर? अब ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन मीन्स डायरेक्शन। क्लियर? तो क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर विच हैज, अब कॉलिनियर तो आप समझ जाए ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, या फिर पैरेलल कह सकते हैं, एक दूसरे के पैरेलल है तो डायरेक्शन भी वैसे लेके चलिए। इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर्स विच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, विच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, या फिर और विच हैज लाइन ऑफ एक्शन, और विच हैज लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू वन अनदर विद रिस्पेक्टिव टू देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ, जो लाइन्स ही हैं। ठीक है, ये आपका एक वेक्टर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये आपका बना सी वेक्टर, दैट इज योर ए वेक्टर, दैट इज योर डी वेक्टर, एंड दैट इज योर बी वेक्टर। अब सबसे पहले जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर तो मैंने आपको समझा दी थी। लाइक वेक्टर्स क्या थे? जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। और अपोजिट अनलाइक क्या थे? जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो आपने मुझे यहां बताना है कि यहाँ पे लाइक वेक्टर्स कौन से हैं और अनलाइक वेक्टर कौन से हैं। ठीक है, ये तो आप इजी बताएंगे। अब जो मेरा काम है बताना आपको कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। ठीक है, कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? देखिए, ए वेक्टर के पैरेलल कौन सा लाइन, इसकी डायरेक्शन अगर ये है और इसकी भी ये है, तो आपस में ये क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन हो गए, जिनकी डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो। ठीक है, और विच हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब एक ही लाइन पे क्या हो, उनके एक्शन हो रहे हो। ठीक है, और ये क्या है साथ में, एक आएगा हमारा बी वेक्टर। ठीक है, अब आप कहेंगे बी कैसे आया, यहां पे लाइन को ध्यान से पढ़िए। इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर विच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो, या फिर विच हैज लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू वन अनदर। ये पैरेलल वाली कंडीशन तो लगी ए और सी में। ठीक है, बट विच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन मीन्स यहाँ डायरेक्शन भी सेम बोला गया है। यहां बोला गया कि जिस डायरेक्शन, मतलब एक ही लाइन पे अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो भी क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। मतलब एक ही लाइन पे अगर दो वेक्टर्स आ रहे हों, तो वो भी क्या होंगे, आपस में। ठीक है, कोलिनियर मीन्स यही होता है कि एक पॉइंट, एक ही लाइन पे उतने पॉइंट लाइन, कोलिनियर पॉइंट क्या होते थे, एक ही लाइन पे अगर तीन पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, कोलिनियर। इसी तरह अगर एक ही लाइन पे डिफरेंट डायरेक्शन के दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर भी सेम होते हैं, क्योंकि ए पैरेलल होगा किसके, सी के, ठीक है, डायरेक्शन में, तो वो क्या बन गया, आपस में एक पैरेलल वेक्टर बन गया। साथ में बी क्या है और सी क्या है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो वो भी क्या हो गए, कोलिनियर और पैरेलल। क्लियर? तो कॉलिनियर और पैरेलल एक तो सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, तो दोबारा डिफाइन कर देता हूं। इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर विच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, मतलब एक ही लाइन पे हो, चाहे डायरेक्शन उनके अपोजिट हो, मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। एंड विच हैज लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू वन अनदर, चाहे उनके लाइन ऑफ एक्शन आपस में क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, अपोजिट हो, कोई बात नहीं, बट लाइन ऑफ एक्शन चाहे पैरेलल ही हो, दैट आर कॉल्ड द कॉलिनियर वेक्टर। ए सी एंड बी, दीज आर कॉल्ड द कॉलिनियर वेक्टर।
इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आपके पास आता है कोलिनियर हो गया. नाउ आई विल डिफाइन यू सिक्स टाइप मीन्स कोप्लेनर. अब कोप्लेनर के बारे में आपने सुना होगा, कोप्लेनर होता क्या है. देखिए अगर एक ही प्लेन पे कोई वेक्टर्स लाई करे, ठीक है, या फिर इफ दे आर पैरेलल टू दैट प्लेन, तो हम उनको क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स. तो यहां लिखते हैं डेफिनेशन, दैट इज द सिक्स टाइप कोप्लेनर वेक्टर्स. कोलिनियर क्लियर हो गया ना आपको. इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर वेक्टर्स ये वो वेक्टर्स होंगे विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन और लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, या फिर उस प्लेन के और लाई ऑन द सेम प्लेन. क्या कहा मैंने, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन के पैरेलल हो सारे वेक्टर्स, तो उन्हें क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर. या फिर वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हो सारे वेक्टर, तो उनको क्या कहेंगे, एक ही प्लेन पे जो लाई करेंगे वेक्टर उनको क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर. इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको. दिस इज द सिक्स टाइप. अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, दैट इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर. ये हमारा हो गया सेवन टाइप. क्लियर? इक्वल वेक्टर्स मतलब बराबर वेक्टर. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड. अगर उनके मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है. इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन. अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो. और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए इक्वल वेक्टर में. दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे, अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर है और उनका लाइन ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है. क्लियर? तो दीज आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए दिस द इक्वल वेक्टर. अब एट पार्ट करते हैं. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. किसी भी वेक्टर का अगर हमें नेगेटिव निकालना है तो नेचुरल है उसके क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ये हो गया. अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मैथमेटिकल वे में. बट इन एक्चुअल में क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर which has same magnitude as the given vector. मतलब जिसका negative vector क्या होगा, जिसका negative vector का magnitude भी और जो given vector का होगा, ठीक है, जिसका हम negative निकाल रहे हैं उनका magnitude क्या होगा, same होगा. as the given vector which has same magnitude as the given vector but
बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर? पहला जो पॉइंट है कि आपका इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर। प्लीज नोट ऑन कर लीजिए, द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो इसका नेगेटिव हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने नेगेटिव निकालना है ए वेक्टर का, तो वो क्या निकलेगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मींस माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जाए। क्लियर? अब इसी तरह एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं। जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था एक वेक्टर पी क्यू, ये था पी क्यू इस डायरेक्शन में, अगर मेरे को इसका नेगेटिव निकालना तो वो क्या होगा, क्यू पी, क्योंकि देखिए लेंथ तो सेम रहेगी, पी से क्यू तक की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है तो क्यू से पी तक की दूरी भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो क्यू पी क्या होगा, नेगेटिव होगा किसका, पी क्यू का। इज दैट क्लियर इन एक्चुअल वे, अगर आपको ए वेक्टर वाला समझ ना रहा हो तो, अगर मैंने आपको जैसे पी क्यू रिप्रेजेंट करना सिखाया था उसी में अगर पी क्यू का क्या नेगेटिव होगा, क्यू पी। क्लियर? ओके, अब हमारा लास्ट टाइप जो है इस वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का, नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपको क्लियर हो गया है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब इसका लास्ट टाइप जो है दैट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, ठीक है, को इनिशियल, इनिशियल याद रखिए, याद हमेशा ऐसे याद रखिए कि इन्हीं को इनिशियल मीन्स इनका इनिशियल पॉइंट। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से उनका ओरिजिन, अगर किसी जितने वेक्टर्स का ओरिजिन सेम होगा, ओरिजिन मतलब इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगर सबका, जिन जिन वेक्टर का ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट सेम होगा, वो क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, ये ए वेक्टर है, ये बी है, एंड दैट इज कॉल्ड द सी। ठीक है, तो ए बी सी वेक्टर क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं कहां से, सेम इनिशियल पॉइंट से। तो ये क्या होंगे, क्या होंगे, ये को इनिशियल वेक्टर, मीन्स को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये थे हमारे पास टाइप्स। चलिए अब एक बार दो इजी इजी क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में है। टाइप्स हो गए हैं, वेक्टर्स की डेफिनेशंस हो गई हैं, रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली है। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट, अब आपने चेक करना है ना, यहाँ आपके पास कुछ क्वांटिटीज आपने चेक करना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या होता है, 40 डिग्री होता है हमारे पास एंगल, क्या होता है, एंगल। डिग्री हमेशा एंगल में लिखते हैं, ठीक है, और एंगल क्या है, एक नंबर क्या हो रहा है, सिंगल रियल नंबर में रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पहला तो ये हो गया, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं आपको। 50 वाट, अब वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, मतलब ये पावर दे रखी है हमारे को 50 वाट। ठीक है, डायरेक्शन में इसमें कोई नहीं होती, तो ये भी क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पावर को जरा डेफिनेशन ढंग से कीजिएगा, पावर में कहीं डायरेक्शन का आपका यूज नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। थर्ड है आपके पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका किसके यूनिट होते हैं,
डेंसिटी के, किसके डेंसिटी के। अब यहां से आपने यूनिट यूनिट से ही पहचाननी है क्वांटिटी क्या है, फिर उसको ये उसकी डेफिनेशन देखिए और वो बताइए कि वो स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास होते हैं किसके यूनिट, डेंसिटी के। और डेंसिटी किसका एग्जांपल था, बताया था मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी का, किसका स्केलर क्वांटिटी का, क्लियर। इसी तरह आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां में देखिए क्वेश्चन में जो हमारे को वैल्यू दे रखी है उसके साथ एक चीज और लिखी हुई है नॉर्थ की तरफ को, मतलब एक डायरेक्शन बता रखी है। अब मीटर पर सेकेंड किसके आपके यूनिट होते हैं, अगर इसको मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ में देखो तो स्पीड कह लीजिए, बट टुवर्ड्स नॉर्थ अगर लग गया देन दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी, मीन्स डायरेक्शन का यूज हो गया। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है, सिर्फ डायरेक्शन का, क्लियर। वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन, स्पीड हैज नो डायरेक्शन। तो 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ इज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज दैट क्लियर। लास्ट जो आपके पास है दैट इज योर 5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, सेकेंड में क्या बताता है, सेकेंड किसके यूनिट होते हैं, सेकेंड टाइम के। टाइम में कोई डायरेक्शन होती है नहीं, तब ये क्या होगी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी, इज दैट क्लियर। तो ध्यान से देख लीजिए हर चीज के यूनिट, देखिए कि किसका यूनिट 40 डिग्री था, डिग्री में क्या होता है, डिग्री किसका यूनिट होता है एंगल का, तो एंगल क्या है, कोई डायरेक्शन यूज नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी। आफ्टर दैट 50 वाट, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, पावर क्या होती है जिसमें डायरेक्शन कोई नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होते हैं, दैट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी एंड डेंसिटी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह लास्ट फोर्थ था हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, यूनिट भी दे रखा है और साथ में एक डायरेक्शन का नोटिफिकेशन दे रखा है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देखिए सीधा है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 5 सेकेंड, सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम एंड टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज दैट क्लियर, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी तरह आप कुछ क्वेश्चन दूंगा आपके घर के लिए, आपने वेरीफाई करना सॉरी बताना है मुझे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन है आपके पास क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर और वेक्टर, ठीक है, क्लासिफाई कीजिए कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। पहला है आपके पास डेट इज योर 10 किलोग्राम, सेकंड है आपके पास 40 डिग्री, ठीक है जी, एंड द थर्ड वन इज 2 मीटर है नॉर्थ वेस्ट, साथ में याद रखिए यहां पर क्या तरीका है। फोर्थ है 10^-90 coulombs, ठीक है, 10^-90 coulombs। फिफ्थ है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड स्केयर, 20 मीटर पर सेकेंड स्केयर, एंड सिक्स्थ है आपके पास 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, कहीं आपको अगर प्रॉब्लम लगे देन यू कैन आस्क मी, ठीक है, अगर किसी डेफिनेशन में जैसे पावर हो गया या वर्क हो गया, ठीक है, या वेट हो गया या मास हो गया, अगर डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, बट डू इट योरसेल्फ, ठीक है, एंड आंसर कमेंट कीजिए मुझे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू,
ठीक है, तो यही था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वेक्टर कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं, डिफाइन करते हैं इन 3D फॉर्म। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर, से स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।